में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक मैं खींच पाऊँ तब तक मैं अपने आपको युवा मानती रहना चाहूँगी। देखिए मैं कुछ भी कहूँ उसके पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, क्योंकि टीवी टेलीविजन डिबेट्स में हम लोगों का हमेशा भिड़ना होता रहता है तनवीर भाई से भी और ऑब्वियसली नवाज भाई से भी। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरी पॉलिटिक्स एंटी कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, और इस लहजे से मैं जो लिखती हूँ बोलती हूँ उसमें ऐसा कई बार आभास होता है कि मैं प्रो बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, तो रखती भी हूँ, बट कई मामलों में मेरा विरोध भी रहता है, और मैं उस विरोध को भी मुखर तरीके से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से रखने की ख्वाहिश रखती हूँ, इसीलिए मैं प्रवक्ता नहीं बनना चाहती। तो इस राइटर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँ। ये जो आज का कॉन्वर्सेशन है रीजनल पॉलिटिक्स का, पैरोकियल पॉलिटिक्स का, और इसको नेशनल डिस्कोर्स के रूप में देखने का, इसमें मुझे लगता है कि हम मूलभूत रूप से तीन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो रीजनल के डेफिनेशन के इर्द गिर्द अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चीज हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लीडरशिप है क्या, और तीसरी चीज कि परोकीय शब्द जो कि एक बहुत ही वैल्यू एडेड टर्म है उसको हम रीजनल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तनवीर भाई की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि रीजनल पॉलिटिक्स पैरोकियल ही हो ये जरूरी नहीं है। रीजनल पॉलिटिक्स कई बार पैरोकियल रूप में हमारे सामने आती है, इस वजह से हम रीजनल पॉलिटिक्स को ही नकार दें ये बात शायद सही नहीं होगी। मेरा जो कार्यक्षेत्र रहा है वो मूलतः उत्तर पूर्व के राजनीति के आसपास अभी तक ज्यादातर रहा है, हालांकि मैं बिहार की हूँ और 2013 में मैंने जो कैंपेन किया था उसमें बाकी अन्य प्रदेशों सात आठ प्रदेशों को देखने समझने का थोड़ा बहुत मौका मिला। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर मैं स्पेसिफिकली चर्चा करूं तो आज हगरामा जी जो लीडर हैं बोडोलैंड के, वो लीडर सिर्फ इस वजह से हैं कि वो बोडोस का नेतृत्व करते हैं। नवाब मलिक जी आप ही ये बात मानेंगे कि एनसीपी की जो थाती महाराष्ट्र में है और उसका जो जेनेसिस जिस तरीके से हुआ, उसका जो क्रक्स जिस तरीके से था, वो आज रीजनल कारणों की वजह से आज एक नेशनल एस्पिरेशन के साथ जुड़ी है, एक नेशनल नेगोशिएटर के रूप में जुड़ी है। तो रीजनल पॉलिटिक्स का राष्ट्रवाद से जोड़ करके अगर हम देखेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि रीजनल लीडर्स मुखर हों, ये जरूरी है कि रीजनल पॉलिटिक्स खूब पनपे, ये जरूरी है कि रीजनल पॉलिटिक्स में भी कॉम्पिटिशन हो, क्योंकि इसका मेरे हिसाब से इसका जो पूरा का पूरा मामला है वो पॉलिटिक्स की मूलभूत सवाल पे जाकर के अटकता है। आखिर राजनीति है क्या? क्या राजनीति केवल प्रतिनिधित्व है, या राजनीति जैसा कि बादल साहब ने बहुत ही साफ वॉइस से बताया कि क्या राजनीति का संबंध संस्कार से भी है? क्योंकि अगर राजनीति का संबंध संस्कार से है तो कई बार आपको प्रतिनिधित्व से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज हम लोग सुबह में ही चर्चा कर रहे थे और मैं उस चर्चा को लेकर यहाँ पर करना चाहूंगी। आप में से कितने बच्चे ग्रामीण अंचल से हैं, गांव में जिनकी पृष्ठभूमि है? ठीक ठाक संख्या गांव से है लोगों की। मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूं, आपके गांव का सबसे आपके गांव में जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वहां का यदि एक बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसको इलाज के लिए एम्स जाना पड़ता है, और वो अपने सामने जितना भी संसाधन उपलब्ध है, चाहे उसके पास जमीन हो या फसलें हो, वो सब बेचकर दिल्ली जाने तक की तैयारी कर लेता है, और दिल्ली जाने के बाद अपने एमपी से मिलकर कहता है कि मैं दिल्ली तो आ गया साहब, अब मुझे दिल्ली में एक महीने जो रहना है वो मैं आप किसी तरह से व्यवस्था कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि एक सांसद को ये करना चाहिए? क्या ये उसके कार्यक्षेत्र का काम है? अगर आपको लगता है कि उसके कार्यक्षेत्र का काम है, बहुत सारे लोगों ने उधर हाँ बोला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या सांसद की जो स्पेसिफिक सैलरी जो भारत सरकार हमें देती है, जो आपको और मेरा टैक्सपेयर का पैसा जाता है, क्या उस सैलरी में वो सांसद अपने ही अपने एरिया के वैसे कितने ही जरूरतमंदों को अपने घर पे एक महीने रख सकता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक दिन की चाय का खर्च अगर आप कैलकुलेट करेंगे किसी सांसद का या किसी विधायक का, तो आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि
हमारे देश की पॉलिटिक्स आखिर चल कैसे रही? ये प्रश्न सोचनीय है, क्योंकि हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की लफाजियों पर जब बात करते हैं, और युवा वर्ग, चूंकि मैं खुद भी युवा हूं, तो हम लोग बहुत जल्दी आइडियलिज्म और आदर्शवाद की तरफ बढ़ के प्रैक्टिकल रियालिटीज भूल जाते हैं। हम अपने हुक्मरानों से गलत सवाल करते हैं, हम अपने हुक्मरानों से वैसे सवाल करते हैं जिनपे वो लफाजी और कविताएं पढ़ के आगे बढ़ जाए, हम उससे एक्चुअल सवाल नहीं पूछते। भाई लॉबी देश में हर व्यक्ति करता है, और लॉबी गलत चीज नहीं है, मेधा पाटकर ने भी लॉबिंग की। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो इतने सारे सोशल प्रोग्राम्स और सोशल इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी एक तरीके की लॉबिंग करता है। धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, रीजनल पार्टीज जिनकी चर्चा हो रही है, वो अपने अपने हिसाब से लॉबिंग करते हैं। तो आखिर हम लॉबिंग को संसद में लीगल करके लॉबिंग की पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर देते? हमें क्यों कॉर्पोरेटर्स की विधायकों के सामने जो नतमस्तक होने वाली बात दलवीर भाई ने कही, क्यों ऐसी पॉलिटिक्स हमने खुद बना के रखी है? और ये सवाल युवाओं से पूछे जाने, ये सवाल युवाओं की तरफ से आना चाहिए, पर हम उन पैसों में फंस कर रह जाते हैं जिन पैसों में हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के राजनेता और हमारे देश का राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट हमें जिस डिबेट में फंसा कर रखना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति केवल संसद और असेंबली में जाकर खत्म नहीं होती। अगर व्यक्ति पॉलिटिक्स सही में करना चाहता है तो वो अपनी कलम से पॉलिटिक्स कर सकता है, अगर व्यक्ति सही में राजनीति करना चाहता है तो वो अपनी वाणी से भी पॉलिटिक्स कर सकता है, और उसके लिए संसद में एक सीट की मोहताज उसकी प्रतिभा नहीं होगी। उसके लिए टिकट के लिए आपको 10 जगह उसके लिए आपको एक्स वाई जेड पोजीशन या पोस्ट के लिए पार्टी के अंदर लॉबिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपको लगता है कि आप किसी विशेष मुद्दे को लेकर जज्बाती हैं, आपको लगता है कि किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर आपको काम करने की उत्कट आकांक्षा है, तो आप पॉलिटिक्स केवल और केवल उस जरिए कर सकते हैं जिसका जो अंत है वो किसी जगह का टिकट पाना या लोकसभा में जाकर एक ऐसा भाषण दे देना जो यूट्यूब पर आने वाली सदियां लेकिन वो ना हो। अगर इतने लिमिटेड रोल में आपका विजन नहीं है तो आप वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। मुझे दो चीजें और कहनी है। पहली चीज ये देखिए, एक होता है ना, जब तीसरे चौथे नंबर पर आपको भाषण देना होता है तो पुराने जो लोग बोल कर गए होते हैं सब बहुत सारी चीजें उठाकर आप रिएक्ट भी कर सकते हैं और रिजर्व भी कर सकते हैं। तभी मैंने एक बात कही थी, छीनना और मांगना शब्द पे मेरा ध्यान जाकर अटक गया था। तभी भाई आपके पूरे डिबेट के एसेंस से मैं अग्री करते हुए मैं इस भाषा का मैं खंडन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो देश में बहस है राष्ट्रवाद को लेकर, देश तोड़ने और देश जोड़ने को लेकर, तभी भाई वो आपके जैसे पॉलिटिशियन की बहस एक्चुअली नहीं है। आपको भी ये चीज मालूम है, जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर नारे हो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उस ग्रुप और दल का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सुपर क्यूट नेता जाकर छात्रों के बीच बैठे हैं, तो इस पॉलिटिक्स को मैं तनवीर भाई के इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स से जोड़कर उनका ग्रेस खत्म नहीं करना चाहूंगी। ये पॉलिटिक्स किसी मार्जिनलाइज्ड की पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स किसी भी आदिवासी की पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स किसी भी किसान की पॉलिटिक्स नहीं है। आप में से जितने भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, आप अपने अपने मन में सोच करके देखिएगा कि क्या आपके गांव का किसान, चाहे वो कितनी भी बदतर स्थिति में हो, क्या वो अपने हाथ से गौ माता का दुहा हुआ दूध सड़कों पर फेंक सकता है? क्या जिस संस्कार की बात राजेश जी ने की, मैं उसी संस्कार से उदाहरण उठाकर देखना चाहती हूँ। हमारे यहाँ जो कृषि संस्कार की परंपरा है, जहां हम हर साल करीब 2 या 3 बार जब फसलें कटती हैं तो हम फसलों के साथ साथ अन्नपूर्णा देवी का आह्वान करते हैं, कौन सा देश का ऐसा किसान होगा जो अन्नपूर्णा देवी का भरी सड़क पर इस तरीके से अपमान करेगा? तो ये जो राजनीति है ये बिल्कुल देश तोड़ने वाली राजनीति है, और इसमें हक छीनना और हक मांगने वाली बात नहीं है। इसमें हक क्या है ये आर्टिकुलेट करने में लोगों की घिघी बनती है। घिघी क्यों बनती है? क्योंकि रफाल मामला बहुत चर्चे में है, तो मैं उस पर स्पेसिफिकली बात करूंगी।
रफाल युद्ध में जितनी भी नफाजियां हो रही हैं उसमें से कोई क्यों नहीं पूछता विरोधी जो पार्टी है आज आज की सत्ता की जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस प्लस जो है उनसे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि रॉबर्ट वाड्रा का रफाल डील से क्या लेना देना था। आखिर रॉबर्ट वाड्रा जो कि गरीब किसान है जिन्होंने कई किसानों की जमीनें हड़पी हैं वो ऐसा कौन सा फ्लाइट वो ऐसा कौन सा उन्होंने जीवन में टेक्निकलिटीज हासिल की कि वो एक एक्टिव नेगोशिएटर रफाल डील में थे। ये जो पॉलिटिक्स है इस पॉलिटिक्स के सतह के नीचे मुझे लगता है युवाओं को रिसर्च करना होगा और ये रिसर्च आपको टेलीविजन स्टूडियो से नहीं मिलेगा। मैं वहां रोज लगभग रोज जाकर बैठती हूँ फिर भी आपको मैं कह रही हूँ आप टेलीविजन देखना बंद कर लीजिए आप मुझे भी सुनना बंद कर लीजिए। मैं जो बात बोल रही हूँ उसको आप स्वयं जाकर सत्यापित कीजिए। जो जो डेटा आपके सामने रखा जा रहा है चाहे वो व्हाट्सएप हो ट्विटर हो फेसबुक हो या वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो आप न्यूज हेडलाइन के पीछे की पॉलिटिक्स समझिए। क्योंकि जब मेघालय में इलेक्शंस होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर भाषण देने के लिए होते हैं उसके एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन होता है मेघालय कैन नाउ ईट बीफ एज प्राइम मिनिस्टर मोदी गोज टू यू नो टू कैंपेन। सच्चाई ये है दोस्तों कि मेघालय में कभी बीफ बैन हुई ही नहीं तो इस हेडलाइन का क्या मतलब था। पिछले 70 सालों में जो जिस प्रदेश में बीफ खुलेआम खाया जा रहा है और वहां देखो वहां का वो कल्चर है वो संस्कृति है उसके ऊपर एक मीडिया हाउस अगर पॉलिटिक्स करे एक अपना सा जर्नलिस्ट अगर पॉलिटिक्स करे और उसका स्पेस वो संपादक उसको दे रहा है तो मेरे जैसे युवा का ये कहना है कि खुलेआम आप अपनी कलम को बेच दीजिए और करिए कि मैं राजनेता हूं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो पॉलिटिक्स की उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ा और एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरे पर ये हेडलाइन की पॉलिटिक्स न्यूज बाइट की पॉलिटिक्स किससे किस तरह के सवाल पूछे जाए किस लहजे में सवाल पूछे जाए किस प्रवक्ता को कितना स्पेस मिले किसको किसकी बात शुरू होने के पहले ही काट दी जाए इस तरह की पॉलिटिक्स से मन क्षुब्ध होता है और इसी वजह से मुझे लगता है ये क्राइसिस शब्द जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है बहुत सारे युवा उससे अग्री करेंगे इस बात पर कि आज का की जो हमारी जनरेशन है वो आक्रामक इस वजह से नहीं है कि हमें गुस्सा करना अच्छा लगता है। आज की जनरेशन आक्रामक इसलिए है क्योंकि हम लोगों को जिस स्पेस में बात करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने